দল আমাদের সেই প্রথম দিন থেকে রাজেশ এবং তাপসের হত্যার প্রথম দিন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি সেই পরিবারের দুটোর সঙ্গে রয়েছে। আমরা প্রথম দিন থেকে বলেছি, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রথম দিন থেকে বলেছে, যারা খুন করেছে অর্থাৎ এই পশ্চিমবাংলার পুলিশ, যাদের গুলিতে রাজেশ এবং তাপসের মৃত্যু হয়েছে সেই পরিবার অভিযোগ করেছিল প্রথম দিন থেকে। আমরা সেই অভিযোগকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য সঠিক তদন্তের দাবি করেছিলাম, পরিবারও দাবি করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় কোনো তদন্ত হোক, এনআইএ বা সিবিআই তদন্ত হোক, তারা মহামান্য হাইকোর্ট এনআইএ তদন্ত দিয়েছে। আমরা ভীষণভাবে খুশি যে আগামী দিনে রাজেশ এবং তাপসকে যারা গুলি করে মেরেছিল, কাদের নির্দেশে গুলি করা হয়েছিল, এবং সেই গুলিবিদ্ধ রাজেশ তাপসকে যখন হসপিটালে নিয়ে আসা হচ্ছিল, আর তখন কারা তাদেরকে রাস্তার মধ্যে আটকে সেই গুলিবিদ্ধ ছেলে দুটোর উপরে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে তাদেরকে মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল, সমস্ত বিষয় তদন্তে যাতে উঠে আসে তার জন্য আমরা ভীষণভাবে খুশি। এনআইএ তদন্তে সেই বিষয়টা চলে আসবে বলে আমরা মনে করছি। প্রায় তাদের পক্ষ থেকে বিষয়টা দাঁড়িপিঠ পাঁচ বছর আগে যে কাণ্ড ঘটেছিল সেই কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সেই দুটো পরিবার, রাজেশ এবং তাপসের পরিবার, তারা এনআইএ বা সিবিআই তদন্ত, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা তদন্ত চেয়ে তারা হাইকোর্টে আপিল করেছিল, এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সহযোগিতা করেছিলাম শুধুমাত্র, আর তার জন্য বিভিন্ন রকম আন্দোলন প্রক্রিয়া তার মধ্যে আমরা সামিল ছিলাম। তো তার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরে আজকে এনআইএ তদন্ত দিয়েছে, তাতে আমরা খুশি। এবং আমাদের যে লড়াই, ভারতীয় জনতা পার্টি যে লড়াই করেছে পরিবার দুটো, রাজেশ এবং তাপসের পরিবার, যে আর এই পাঁচ বছর ধরে ধৈর্য সহকারে যে সঠিক তদন্তের আশায় তারা যে ধৈর্য ধরে রয়েছে, আমাদের সঙ্গে ছিল, এবং কোর্টের যে রায় হবে সেই আশায় বসেছিল, তার জন্য আমরা তাদের উপরেও কৃতজ্ঞ থাকব, এবং আমরা আশা করব যে সঠিক তদন্ত হবে। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं दाड़ीपीठ कांड को लेकर। आप सभी को बताना चाहेंगे, हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है दाड़ीपीठ कांड को लेकर। दाड़ीपीठ कांड में एनआईए तदंतों का जो है निर्देश दिया गया है, यानी कि दाड़ीपीठ कांड को लेकर अब जो है एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप सभी को बताना चाहेंगे, छात्र आंदोलन को केंद्रित करते हुए 2018 में साल में दो छात्रों की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद ही से ही जो है परिवार के लोगों द्वारा जो है जो हाई कोर्ट में जो है केस किया गया था तथा अपील की गई थी, तथा उसके बाद से ही लगातार जो है परिवार की ओर से जो है अभियोग उठ रहा था, और अंततः कह सकते हैं कि पांच साल बाद जो है आज जो है हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि दाड़ीपीठ की जो घटना है उस पर जो है एनआईए तदंत करेगी, यानी कि एनआईए द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा दाड़ीपीठ कांड को। आपको बताना चाहेंगे, विचारपति राजा शेखर मंथर के जो है द्वारा जो है निर्देश दिया गया है कि परिवार को जो है क्षतिपूरण भी जो है जल्द से जल्द दिया जाएगा। साथ ही साथ यह जो दाड़ीपीठ कांड है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वह एनआईए द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, छात्र आंदोलन को केंद्रित करते हुए दाड़ीपीठ में जो है 2018 साल में जो है गोलीकांड की घटना घटी थी, जिसमें दो छात्रों की मृत्यु हुई थी, तथा तब से ही जो है परिवार की ओर से अभियोग किया गया था, तथा हाईकोर्ट द्वारा लगभग पांच साल बाद आज निर्देश है, विचारपति जो है राजा शेखर मानतार उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि दाड़ीपीठ कांड को लेकर जो है एनआईए तदंत करेगी, यानी एनआईए द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। साथ ही साथ परिवार के लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है क्षतिपूरण भी दिया जाएगा। साथ ही साथ परिवार की ओर से अपील भी किया गया था कि राजेश और तापस जो है उनका मृतदेह जो है जो कि दाड़ीपीठ के उसी इलाके में जो है अभी भी जो है कब्र में दिया हुआ है, उनकी पूर्ण जो है एक बार फिर से जो है पोस्टमार्टम है, इस विषय को लेकर अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी तरह से एनआईए को जो है सौंप दिया गया है, तथा आगे के दिनों में एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इस घटना को केंद्रित करते हुए क्या कहना है बीजेपी के नेतृत्व का, साथ ही साथ आज बताना चाहेंगे कि परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर जिला बीजेपी के जो सभापति है वासुदेव सरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है, देवश्री चौधरी जो कि लोकसभा रायगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद है उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि लगातार 2018 साल के बाद से ही जो है बीजेपी के उच्च नेतृत्व द्वारा परिवार के पास जो है हर तरह से जो है आश्वासन दिया जा रहा था, केंद्र तदंत की मांग की जा रही थी परिवार की ओर से, और तब से जो है बीजेपी जो है हमेशा ही जो परिवार के पास खड़ी है। जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी के
उच्च नेतृत्व देवश्री चौधरी हो, जिला सभापति वासुदेव सरकार हो, जनरल सेक्रेटरी तापस विश्वास हो, या फिर साधारण संपादक जो जो है सूर्यजीत सेन महाशय, सभी जो है दारीबीर जाने वाले हैं। आज दोपहर में जो है दारीबीर जाने वाले हैं, तथा परिवार का क्या कहना है, कितने खुश हैं परिवार और क्या परिवार की मांग है, सारे विषयों को लेकर विस्तारित रूप से रिपोर्ट रखने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेतृत्व तापस विश्वास का क्या कहना है, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं।